उसमें बहुत सारे काम होते और दूर दूर जाने पड़ते हैं। अच्छा, अगर मुंबई में शूटिंग होती तो फिल्मों में काम करते? नहीं नहीं, वो देश की सेवा की बात कर रहे हैं। पापा से आपने सवाल किया कि देश के लिए नहीं कर रहे हो, अब बेटी बोल रही मैं आईपीएस बनूंगी, तो आप दूसरे सवाल कर रहे हो। मैंने दुनिया के देश के लिए काम किया है, मेरी बेटी विकास के लिए। बेटी अभी बात कर रही है, बेटा हिंदुस्तान पापा कैसे, पापा आपको कैसे प्यार करते हैं, कैसे आपको पापा प्यार करते हैं? पापा आपको कभी चिल्लाते हैं, डांटते हैं? नो, कभी नहीं, कभी नहीं। घर में आपके साथ खेलते हैं? ये तो हमेशा शूटिंग में बाहर रहते हैं, फिर खेलते कैसे हैं? वीडियो कॉल पे। वीडियो कॉल पे खेलते हैं बेटा। और कुछ कहना चाहते हो आप अपने पापा के बारे में, अपनी मम्मा के बारे में? क्या पापा जी के साथ मैंने बहुत एंजॉय किया। अच्छा, और मम्मा के साथ? मम्मा के साथ भी बहुत एंजॉय किया। अच्छा, आप किसकी फैन हो बेटा? आपको सबसे अच्छी फिल्म किसकी लगती है? वरुण धवन, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। अच्छा, पापा की फिल्म नहीं देखते आप? हिंदी फिल्मों में। हाँ, और भोजपुरी में? पापा पवन सिंह अंकल, नीरव अंकल। अरे, बिटिया को हम बर्थडे विश करने आए हैं, और वो इन्होंने अभी कहा कि इनकी बेटी नहीं मेरी बेटी है, और अभी तक मैंने उसको जैसे यूट्यूब पर या पिक्स में देखा था, तो अभी देखा हूँ तो वाकई में बहुत प्यारी है, और इतने बड़े स्टार की बेटी है इसलिए नहीं, वाकई में बहुत बेटे बहुत प्यारी है। स्टार मेरी नहीं, मैं स्टार नहीं, मैं इनका प्यार हूँ, इनका आशीर्वाद। और बिल्कुल बिल्कुल, और उसको मैंने अभी विश किया, उसने कहा, उसने एक सवाल किया कि हर फिल्म में काजल मेरे पापा के साथ रहती है, इस फिल्म में आपके साथ क्यों थी? मैंने कहा कि आपके पापा ने गिफ्ट कर दिया था इस बार। बड़ा खेसारी लाल जी ने काजल को गिफ्ट में दे दिया था शमीम खान को। कभी कभी देना पड़ता है। क्यों? अपना घर छुड़ाने के लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। काजल बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और वो सिनेमा का एक सीन था जिसमें वो इनसे प्यार कर लेती है और इनसे शादी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी तो जीवन चल ही रही है। आज आई नहीं काजल? नहीं, काजल नहीं है यहाँ पे शायद। इनविटेशन तो सबको दिया है मैंने, लेकिन शायद वो यहाँ नहीं होगी, नहीं तो जरूर आती। पिछले साल भी नहीं दिखे थे। अरे तो जब कोई शूटिंग पे, तो दिनेश भी अभी नहीं आए हैं भाई, पवन जी भी नहीं आए हैं, बहुत सारी एक्ट्रेस नहीं आई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ कोई जलन है हमसे, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अपने काम में हैं, अब काम छोड़ के आना, किसी प्रोड्यूसर का नुकसान करके आना, ये लाजमी मैं भी नहीं समझता, क्योंकि उसका 5-7 लाख नुकसान हो जाएगा। मुकद्दर के बाद फिर बहुत जल्दी अपने भाई के साथ दिखने वाला हूँ मैं, और बहुत प्यार मिलता है इन लोगों के साथ काम करके। ये आ गई है कृति। हेलो बेटा कृति, कैसे हो आप? अच्छी हो। आज बहुत कम बोल रहे हो आप, थोड़ा सा फास्ट हो जाओ अपने पापा। हैप्पी बर्थडे। क्या हो गया? हम सब आपको थैंक यू। हाँ, ऐसे जोर से बोलते हैं। पापा आपके कितने अच्छे से बोलते हैं। क्या दिया गिफ्ट आज आपको पापा ने? पापा ने